और सच बता दूं डेथ होते होते बची है। Hey guys, welcome back to our new vlog. So guys, आज हम लोग जा रहे हैं भारत दर्शन पार्क क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी का लास्ट दिन है और बच्चों का मन था कि हम चले भारत दर्शन पार्क। हम लास्ट टाइम गए थे बट उस टाइम ना थोड़ा सा लेट हो गया था तो हम अंदर नहीं गए, अंधेरा भी हो चुका था, तो इस चक्कर में हम अंदर नहीं गए। और बानी ने इतना कलेश डाला, इतना रोई, बाहर से दिखा ला है, बस बाहर से दिखा ला है। मैं इतना परेशान हो गया इसके रोने बस से। आशी मामा ने बोल दिया अब मैं लेके आऊंगा। हाँ, मैंने इनको बोल दिया आज के बाद मैंने इनको कहीं साथ में लेके जाना, इतना रोती है। इस लड़की इधर आ, तू आ गया तो आ, सबको दिखा तो सही। सो गाइस, ये हमारी बानी, इस लड़की ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। कितना रोई थी पिछली बार, कैसे रो रही थी पहले बता। बाहर से दिखाया, अंदर तो नहीं दिखाया, क्योंकि आज तक बानी ने ना देखा नहीं है भारत दर्शन पार्क। ऐसे रोई, तुमने मुझे सिर्फ बाहर से दिखाया, अंदर से नहीं दिखाया, है ना, ऐसे कर रही थी। गाइस, फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं भारत दर्शन पार्क, तो लेट्स गो, एक बार चलते हैं फिर वहां चल के आपको दिखाते हैं। ये सो गाइस, ये है सामने पंजाबी बाग वाली रेड लाइट और लेफ्ट में मुड़ के आता है करोल बाग और इसके कॉर्नर पे ही सामने है भारत दर्शन पार्क। तो एक बार आगे चलते हैं वहां पे। ओ भाई, मारो मुझे, मारो, इतनी गर्मी में ले आए, तेरे को तो मारना ही चाहिए खींच खींच के। भैया पार्किंग बहुत ज्यादा ले रहे हो आप, 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं भैया पार्किंग का। ये वाली जो जगह है ना, वो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनको आर्टिस्टिक चीजें पसंद है। एक यही ऐसा पार्क है जिसमें 22 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बने हैं इन अ सिंगल प्लेस, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चीज है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो उसमें ओरिजिनल है और रेप्लिकाज है, रेप्लिकाज, और हम कंपेयर करेंगे, मतलब ना जो जितना वेस्ट मटेरियल होता है उन चीजों को उठा उठा के रेप्लिकाज बनाया है अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स के, लाइक ताजमहल हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारी ऐसी जगह है जो बहुत सुंदर है। मतलब आर्टिस्टिक लोगों को तो वहां पे जरूर जाना चाहिए। तो उस पार्क के टाइमिंग्स हैं वो है सुबह 10 AM to 10 PM। मतलब ना वहाँ की सिर्फ मेरे को एक ही चीज़ नहीं अच्छी लगी, वहाँ पे टिकट्स इतने सारे पार्ट्स में बांट रखी ना, लाइक अगर आप मॉर्निंग में जाते हो तो 100 रुपए की टिकट, इवनिंग में जाते हो तो 150 रुपए की टिकट, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 75 रुपए की टिकट। तो मतलब ना एक उनको रखना चाहिए कि नहीं भाई, सबके लिए सेम है, चाहे तुम मॉर्निंग में हो चाहे तुम इवनिंग में हो, टिकट प्राइसेस सबके लिए सेम होने चाहिए। यही थोड़ी सी चीज थी जो मेरे को अच्छी नहीं लगी, बाकी सब तो बहुत अच्छा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसी जगह पे जाओ तो तुम्हें विजिट करना चाहिए सर्दियों में। हम लोग इतनी गर्मी में चले गए क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी और उनका बहुत ही ज्यादा मन था कि हमें भारत दर्शन पार्क जाना है, हमें भी देख के आना है, ये वो बोला। तो उसके बाद सबसे पहले टिकट लेते ही हमने एंट्री करी पार्क के अंदर। बना बना एक्साइटेड, लेट्स गो इन। पार्क के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले हमने देखी एक ओल्ड लेडी जो पूरी बना रखी थी वेस्ट बॉटल से, उनकी जो कैप से लेके उनके पूरे कपड़े वगैरह बना रखे थे, उन वेस्ट बॉटल्स को यूज करके आगे एक सरफेस बना रखा था जो कि बहुत अच्छा था। आप लोग भी देख के बताओ आप लोगों को कैसा लगा, और कॉमेंट जरूर करना कि ये वाली जगह आपको कैसी लगी। तो एंट्री करते ही सबसे पहले हमने देखा गेटवे ऑफ इंडिया जो बना रखा था, एंगल्स, पाइप्स, गेट्स और भी अपना जितने वेस्ट मटेरियल थे ना, मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव था। जो ओरिजिनल वाला गेटवे ऑफ इंडिया है वो बेस्ड है मुंबई में, और दिल्ली में जो उसका रेप्लिका बनाया गया, आप लोग जज करके बताओ कि आपको अट्रैक्टिव लग रहा है या नहीं। मतलब एक ना वेस्ट चीज़ को यूज़ करके ऐसी चीज़ बनाई गई है, मतलब जो बंदा मुंबई नहीं विजिट कर सकता उसके लिए बहुत अच्छी जगह है, वो एक बार यहाँ भारत दर्शन पार्क जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा बैनियन ट्री जो बना रखा था सिलेंडर से, अपने स्टेयरिंग से, टैंक्स वगैरह से, फ्यूल टैंक से। और बाकी ना जो इसकी डिटेल्स है वो ना मैं नीचे साथ के साथ स्लाइड शो भी चला दूंगा, तो आप वहां पे भी देखते रहना कि मतलब कितने फीट का है वो, कितना टाइम लगा उसको बनाने में, कितने टन का है वो, तो ये चीजें ना देखने में, और ये भी जरूर जज करना कि हाँ रेप्लिका ज्यादा अच्छा बना हुआ है या ओरिजिनल ज्यादा अच्छा बना। ओरिजिनल तो है जो वो बहुत पुराना, वो तो अच्छे है ही है, मतलब जो उसकी रेप्लिका जो आर्टिस्टिक वर्क हुआ है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मतलब पर्सनली मेरे को आर्टिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने वहां पे विजिट किया, ऊपर से बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी थी तो इसलिए भी हम लोग गए।
तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या देखा, लेट्स गो। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा हवा महल घुमा लूं। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा गोल गुंबज, जो ओरिजिनल है, जो बेस्ड है, वो है कर्नाटका में और बहुत ही ज्यादा सुंदर बना रखा है। मतलब ना ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कहता कि हाँ कोई छोटी सी चीज बना रखी है वेस्ट मटेरियल को, इतना ह्यूज ह्यूज बना रखा है ना, मतलब देख के ना ऐसा लगता है कि हाँ ये भी कुछ ओरिजिनल है। वन टाइम विजिट वाली चीज है बट बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा कुतुब मीनार, कुतुब मीनार भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था। कुतुब मीनार जो बनाया है वो बनाया है इलेक्ट्रिक पोल यूज़ करके, एंगल्स यूज़ करके, पाइप्स यूज़ करके, गेट्स यूज़ करके, मतलब वो जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट मोन्यूमेंट है दिल्ली में, वो उन्होंने एक वेस्ट मटेरियल यूज़ कर करके, वो भी काफ़ी ह्यूज है, मतलब ये नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा छोटा है, काफ़ी ह्यूज है वो भी। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने देखा नालंदा जो कि बेस्ड है बिहार में। हमने एक और डॉल देखी जो कि बना रखी थी साइकिल रिम से, मतलब जो वेस्ट रिम्स होते हैं उनको यूज करके, प्लस जो चेन्स यूज करके इतना अच्छा बना रखा है ना, मतलब छोटी छोटी चीजें यूज करके ना इतनी अट्रैक्टिव चीजें बना रखी है चुमेश्वरी। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हमने देखा मीनाक्षी टेम्पल जो कि बेस्ड है तमिलनाडु में, और उसका जो रेप्लिका था वो भी बहुत अच्छा था। हमने थोड़ा सा और पैदल पैदल चले, फिर हमने वहां जाके देखा इतनी गर्मी में बद्रीनाथ टेम्पल। बद्रीनाथ वैसे तो है उत्तराखंड में, वहां पे जब हम विजिट करते हैं तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, बट दिल्ली की गर्मी में भी हमने देखा बद्रीनाथ टेम्पल जो कि बहुत अच्छा था। सिर्फ गर्मी में मत जाना, गर्मी में हो जाएगी हालत खराब, सर्दियों में जाना, हर चीज देख के आना और थोड़ा अच्छे से देख के आना, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। मतलब मैं जितनी उसकी तारीफ करूं मेरे लिए वो कम है, मतलब लोगों की इतनी मेहनत लगी, इतना आर्टिस्टिक वर्क हुआ है, जितना वेस्ट मटेरियल है सबको यूज कर करके इतने सुंदर सुंदर 22 हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। मतलब जिसने भी बनाया होगा बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बंदा होगा, बहुत ही ज्यादा माइंड लगा होगा उसको बनाने में। थोड़ा सा और आगे चलते ही हम लोग पहुंच गए उत्तराखंड से सीधा के सीधा गुजरात में, और वहां पे हमने क्या देखा, द्वारकाधीश टेम्पल। मतलब आज तक हमने गुजरात विजिट नहीं किया, यहाँ पे जाके विजिट करा तो वो चीज़ भी हमें ना फील हुई कि हाँ ये इतना सुंदर होगा वहाँ पे ओरिजिनल वाला, तो वहाँ पे भी जाने का मन करेगा, बट यहाँ पे जाओ ये जरूर देख के आओ। तो फिर हमने थोड़ा सा और मूव किया और चलते चलते गुजरात से हम लोग पहुँच गए तमिलनाडु, वहाँ पे हमने देखा रामेश्वरम टेम्पल, वो भी बहुत सुंदर था। मैं तो तारीफ ही करी जाऊँगा, बाकी आप लोग खुद जाके देखोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा हाँ भाई छोटी छोटी चीज़ों को यूज़ करके कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रखी है और बहुत ही अच्छी बना रखी है। तो मस्ट विजिट, जाओ और कुछ नहीं बोलूंगा, जाओ देख के आओ। तो फिर हमने थोड़ा सा और मूव किया, उसके बाद तमिलनाडु से हम लोग पहुंच गए सीधा ओडिशा, और वहां पे हमने क्या देखा, जगन्नाथ टेम्पल। बढ़ते हैं हम थोड़ा सा और आगे, ओडिशा से चलते हैं हम दूसरी स्टेट में, लेट्स गो। तो ओडिशा से चलते चलते हम लोग पहुंच गए फिर से गुजरात, वहां पे जाके हमने देखा महापद पैलेस। गुजरात से चलते चलते हम लोग पहुंच गए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में देखा हमने सांची स्तूपा। We'll be right back.
प्रदेश से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, वहां पे देखते हैं हमें क्या दिखेगा। लेट्स गो। थोड़ी सी आगे की और वहां हम पहुंचे वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में हमने देखा विक्टोरिया पैलेस। चलते हैं वेस्ट बंगाल से पैदल पैदल किसी और स्टेट में। लेट्स गो। तो वेस्ट बंगाल से चलते चलते हम लोग पहुंच गए कर्नाटक। वहां पे हम लोगों ने देखा हम्पी रथ भी बहुत अच्छा बना रखा था। छोटी छोटी सी चीजों को यूज करके, इतना वेस्ट मटेरियल यूज करके इतनी सुंदर सुंदर चीजें बना रखी है। तो कर्नाटक से हम लोग चलते चलते पहुंच गए आगरा। आगरा में हमने देखा सबका फेवरेट ताजमहल। देन फिर आगरा से चलते चलते हम लोग पहुंच गए कर्नाटक, फिर से आगे कर्नाटक, और वहां पे हमने देखा मैसूर पैलेस। मतलब बंदों की इतनी मेहनत लगी है, हम इतनी गर्मी में देख के आए हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं अपनी नजरों के थ्रू। तो कमेंट भी कर देना, लाइक भी कर देना, और हो सके तो शेयर भी कर देना। लेट्स गो। अब बढ़ते हैं कर्नाटक से फिर से थोड़ा सा आगे। हो सकता है हम घूम फिर के फिर से कर्नाटक आ जाए, बट उससे पहले हम किसी और स्टेट में चलते हैं। लेट्स गो। कर्नाटक से थोड़ा सा आगे और हम चले, वहां पे हम पहुंच गए हैदराबाद, और हैदराबाद में हम लोगों ने देखा चार मीनार। से हमने थोड़ा सा और चलना शुरू करा और हम लोग पहुंच गए ओडिशा। ओडिशा में हमने देखा कोणार्क टेंपल। तो ओडिशा से हम लोग पहुंच गए सीधा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हमने देखा अजंता एंड एलोरा। वापस हम लोग पहुंच गए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में देखा हमने खाजुराहो टेंपल। ये भारत दर्शन पार्क का लास्ट मॉन्यूमेंट था। सो गाइस, फाइनली हम लोग भारत दर्शन पार्क घूम के बाहर आ चुके हैं, और सच बता दूं डेथ होते होते बची है। इतनी गर्मी है, ये सिर्फ बच्चों के चक्कर में जाना पड़ गया। हाँ, तेरे को कैसा लगा भारत दर्शन पार्क? अच्छा वेदर में आओ तो आराम से घूमा जा सकता है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।